हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा ऑन द टॉपिक प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। लाइक लास्ट न्यूमेरिकल थ्योरी सेम है, हमें प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में पता होना चाहिए एंड फोर इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। लाइक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला आना चाहिए। एंड लास्ट में हमारा जो थर्ड पार्ट है उसके लिए हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी आना चाहिए। इससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं वो हम लास्ट न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं। फॉर्मूलाज के डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन ए बी एट अ पॉइंट इन अ मटेरियल अंडर स्ट्रेस इज 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द नॉर्मल टू द प्लेन। हमें दे रखा है प्लेन ए बी पे एक रिजल्टेंट स्ट्रेस 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, जो कि नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। देन द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन द अनदर प्लेन बी सी एट राइट एंगल टू द प्लेन ए बी इज 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक नॉर्मल स्ट्रेस हमें एक प्लेन बी सी पे दे रखी जो कि नॉर्मल है या 90 डिग्री है किससे, प्लेन ए बी से। उस पर जो हमें स्ट्रेस दे रखी वो 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की है एंड ये नॉर्मल है, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है एंड ये नॉर्मल स्ट्रेस है। हमसे पूछा क्या गया, तीन पार्ट्स में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन बी सी, प्लेन बी सी पे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालो। लाइक जैसे ये एक रिजल्टेंट स्ट्रेस है, इसी टाइप से इस पे भी हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालनी है। सेकेंड पार्ट कहता है द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर डायरेक्शन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड उनकी डायरेक्शन निकालनी है। थर्ड पार्ट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑन देयर प्लेन्स, प्लेन पे जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी वो हमें फाइंड करनी है। लेट्स सॉल्व आवर न्यूमेरिकल। हमें एक प्लेन इस टाइप से दे रखा है, ए बी एंड बी सी दो प्लेन्स दे रखे हैं। इस पर रिजल्टेंट हमें 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर दे रखा है, इसका हमें नॉर्मल दे रखी, नॉर्मल स्ट्रेस दे रखी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस फाइंड करेंगे। ठीक है, नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस फाइंड की। नॉर्मल क्या हो जाएगी, 800 cos 30 एंड जो शेयर है वो क्या हो जाएगी, 800 sin 30। दोनों आ गई, ठीक है। ये आई हमारी 69 2.82 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो टाउ की वैल्यू आई वो हमारी 400 आई। ठीक है, यहाँ पे टाउ लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी लग रही होगी। ठीक है, तो एक ये स्ट्रेस तो नॉर्मल हमें निकालनी पड़ेगी, सिंपल सा है। तो फर्स्ट पार्ट मान नॉर्मल निकालना उसके लिए, ठीक है, एक ये स्ट्रेस इन दोनों को हमने रिजॉल्व किया तो इस पर भी सेम हो जाएगा, एक इधर आएगी शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल तो हमें दे ही रखी, तो हमें इसके रिजल्टेंट फाइंड करना। सिग्मा वन सिग्मा टू, इसको हमने सिग्मा वन मान लिया, ये सिग्मा टू एंड टाउ की वैल्यू दे रखी है। रिजल्टेंट फाइंड करना है बी सी पे, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन प्लेन बी सी क्या होगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, रिजल्टेंट निकालने का तरीका हम देख चुके हैं। क्या करना होता है, अंडर रूट के अंदर सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा टू स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर दोनों की वैल्यूज पता है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये मिल जाएगी। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा इक्वल टू सिग्मा टू अपॉन टाउ दैट इज इक्वल टू 1.5। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगी हमें 56.3 डिग्री, मीन्स हमारी ये जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 56.3 डिग्री। अगर इस प्रॉब्लम में, इस पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारे स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो उस, ये जो हमारा पार्ट है ये उसी से रिलेटेड, हमारे जो स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल थे उससे। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, रिजल्टेंट स्ट्रेस भी हमने निकाल ली, इसके साथ साथ हमने एंगल भी निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड उनकी डायरेक्शंस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेजर एंड माइनर दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, डायरेक्शन का भी हमें फॉर्मूला पता ही, तीनों फॉर्मूले यूज करेंगे एंड इजिली सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। सो सेकेंड पार्ट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड देयर डायरेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज पुट की एंड आंसर निकाल लिया। इसी टाइप से माइनर फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड कर लेंगे। एंड डायरेक्शन, हमारी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दो थीटा की वैल्यूज हमें मिलेंगी, एक ये और एक ये। नाउ थर्ड पार्ट, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस एंड देयर प्लेन्स। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड कर लेंगे। सो सारी वैल्यूज हमें पता है, सिग्मा वन सिग्मा टू टाउ
तीनों वैल्यूज पता है, तीनों वैल्यूज पुट की एंड हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होगा वो भी मिल जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो केस फर्स्ट था बस उसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अदरवाइज दोनों लास्ट जो दो थे दोनों में ही फॉर्मूले पता होंगे तो हम आंसर इजिली फाइंड कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स का। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो मोहर सर्कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।